हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है उसमें एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बिना मेकअप इनकम्प्लीट है और इसको लगाने से मेकअप को एक अलग ही लुक मिल जाती है, मेकअप में चार चांद लगा देता है। तो ऐसा जो प्रोडक्ट है वो है ये आईलाइनर, और ये है NYV का आईलाइनर जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आज मैं इसी का रिव्यू करने वाली हूँ, तो अगर आप भी इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये है NYV का आईलाइनर जिसका बाहर से पैकेजिंग बॉक्स पैकेजिंग है, जैसे कि इसके सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बॉक्स में आते हैं वैसे ही ये बॉक्स है। बाहर सारा डिटेल मेंशन है। इसका जो वेट है ये 6 ml है। प्राइस वो 49 rupees है। ये पर्पल पे अवेलेबल है, वहाँ पर 20 से 25% डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको 100 के अराउंड मिलेगा। इसके साथ ही ये जो आईलाइनर है इसके आपको 3 shades मिल जाते हैं, जो बेसिक शेड्स होते हैं ब्लू, ग्रीन और ब्लैक ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये 3 shades में मिलता है और क्रुअल्टी फ्री और पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। जो बाहर पैकेजिंग पे डिटेल मेंशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। थिन ब्रश फॉर परफेक्ट लाइंस, 1 stroke एप्लीकेशन, हाईली पिगमेंटेड, क्विक ड्राई फॉर्मूला, वाटर रेसिस्टेंट और स्मच प्रूफ प्रोडक्ट है। साथ ही साथ मैट फिनिश देता है और लास्ट अप टू 12 hours, तो ये 12 hours तक आपकी आँखों में लगा रहेगा। बाहर से तो ये प्रोडक्ट देख लिया, चलिए अंदर से ओपन करके देखते हैं। तो ये अंदर से कुछ दिखने में ऐसा है, ये ऐसा ग्लास का बॉटल है और ये इसका ब्रश है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो भी बिगनर्स हैं उनको लगाने में बड़ी आसानी रहेगी। मैंने आज अपनी आईज़ पे इसी को लगाया हुआ है, तो आप इसका ब्रश देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्रश है। सिंगल स्ट्रोक में ही अप्लाई हो जाता है। ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये हाईली पिगमेंटेड प्रोडक्ट है, तो इसका पिगमेंटेशन हम देख लेते हैं। आइस पे तो आप देख ही सकते हैं, मैं अपने हाथ पे थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर है और ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो लाइनर है इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे लाइनर्स भी आते हैं जो सूखने में 5-10 सेकेंड का टाइम लेते हैं, पर इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है सूखने में। तो ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, पर जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल भी स्मच नहीं होगा। फिर चाहे आप इसको तेज़ी से रब करेंगे तब भी ये स्मच नहीं होगा, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। जो लाइनर है इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट है, पर ये स्वेट प्रूफ है, ट्रांसफ़र नहीं होता है, स्मच फ्री तो आप देख ही चुके हो। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर इस पर पानी डाला जाए तो क्या ये एक बार में बह जाएगा या फिर टिका रहेगा हमारी आईज पे। तो मैं इस पर थोड़ा सा पानी डाल के देखती हूँ। जब बहुत तेज़ी से पानी डालेंगे तो ये निकल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगेगा। और इसमें मेंशन ही है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो बारिश वारिश हो रही है तो ये आपकी आँखों से निकल जाएगा, पर हल्का फुल्का स्वेट आता है तो ये आपकी आँखों पर लगा रहेगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, और आपको मतलब मुझे 112 rupees में ये प्रोडक्ट मिला, उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और मुझे लाइनर लगाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी जो ग्रिप है, ऐसी है कि आप इजीली अपनी आँखों पे अप्लाई कर लोगे। विंग लाइनर लगाना है या जो भी टाइप का आप लाइनर लगाना पसंद करते हो, बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाता है। ये लाइनर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इसमें लिखा हुआ है कि 12 hours तक ये आपकी आँखों में लगा रहेगा, पर 12 hours तो नहीं, पर हाँ 6 से 7 घंटे तक ये आपकी आँखों पर लगा रहता है। बस इस लाइनर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, बाकी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फेस्टिव सीज़न आ गया है, तो अगर आप लाइनर लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।